नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज बिहार प्रदेश जिला सीतामढ़ी और विधानसभा चुनाव की जो तैयारी चल रही है 2020 के लिए, तो बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में अभी है, बेलसंड प्रॉपर टाउन में है और यहाँ पे जन अधिकार पार्टी से सुबोध जी है और इनसे पूछते हैं इनका प्रश्न। नमस्कार, धन्यवाद। आप इसमें भी सर, अभी जैसा कि विधानसभा की जो तैयारी चल रही है, बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी हैं, तो आपका पहला उद्देश्य क्या रहेगा जीतने के बाद? क्या बताएं जनाब, जो परिस्थिति हालात है इसमें तो सोचने में मजबूर है कि पहले अपराध मुक्त किया जाए कि पहले शिक्षा और रोड और रास्ता का काम किया जाए। यहाँ तो 5 साल का हिसाब अगर मांगा जा रहा है तो घंटा चलाया जा रहा है। कल शाम को पदम चौक पर कुछ मालूम हुआ कि सांसद महोदय एवं विधायक जनप्रतिनिधि के सब प्रतिनिधि द्वारा लाठीचार्ज किया गया जनता के प्रति। जनता सिर्फ 5 साल का हिसाब मांगा, यह तो तंडाव है बेलसन का। अपराध बेलगाम है, उसका कोई लगाम नहीं है। प्रशासन किस चंगुल में फंसे हुए हमको तो सोचने को मजबूर होना मतलब किनके द्वारा ये सब जो आप बता रहे हो, किनके द्वारा किया? हमारा सांसद कौन है? रामा देवी है, वो गाड़ी पर बैठल थे। सुनीता सिंह चौहान के हस्बैंड रणधीर सिंह चौहान थे और उन्होंने उनसे पूछा गया कि बताइए कि आप वोट मांगने आए हैं, 5 साल में बताइए क्या किए। यह बात पूछने पर उस लड़का से पूछा गया कि किस जाति का हो, नाम बता। नाम नहीं बताने पर उसको कहना चाहती है। यह तो परिस्थिति हालात है बेलसंड का। बेलसंड में दहशत का जिंदगी लोग जी रहा है और प्रचंड काम करके राज करने का काम कर रहा है अपराधी और जनप्रतिनिधि। क्या आपको लगता है कि अगर आप बेलसंड विधानसभा से अगर जीत जाते हैं तो जो भी ये समस्याएं जो आप बता रहे हैं उस पे कुछ फायदा हो सकता है पब्लिक यहाँ की जनताओं को? सर, मैंने ऐलान किया है कि बेलसंड के बागडोर मेरे हाथ में आया तो 72 घंटे में अपराध मुक्त। अभी जो यहाँ के माननीय विधायक हैं सुनीता कुमार चौहान जी, तो आपको लगता है कि जब से ये विधायकी क्षेत्र में है और अभी भी माननीय विधायक भी हैं, तो क्या क्या कार्य इनके द्वारा किया गया आपके? आप जनता से पूछिए ना, बेलसंड विधानसभा जो है वो बागमती इस पार और बागमती उस पार है। 16 पंचायत बागमती उस पर सरियानी प्रखंड में पड़ता है और 16 पंचायत में 9 पंचायत बेलसंड और 7 पंचायत परसौनी मिलाकर 13 नगर पंचायत है। यह मिलाकर बेलसंड विधानसभा क्षेत्र है। बेलसंड से और तरियानी का जो आवागमन है, माँ और मौसी का संबंध है, उस संबंध को तोड़ा गया है कि मारल घाट पुल जो बना ध्वस्त हो गया, उसमें जिसका जमीन पड़ा उसको पैसा भी आज तक नहीं मिला। बारिश हो जाए तो आप 4 चक्का से तरियानी से बेलसंड आने के लिए आपको पिपराई पुरानिया होकर आना होगा, नहीं तो शिवहर से झापहा होकर आपको रूमी सैदपुर होकर आना पड़ता है। बेलसंड तो बेलसंड से तरियानी का दूरी 15 किलोमीटर है, यही तो विकास हुआ है यहाँ। इस क्षेत्र की जो जनता है क्या आपके साथ है? जनता से सर पूछा जाए, जनता में आक्रोश है। एक एक पब्लिक जो राजनीति के हाल नहीं जानता है, जिसको वोट का महत्व नहीं जानता है, उससे भी पूछिएगा तो वह दहशत की जी रहा है। चाहे वो पचनौर के मेडिकल कॉलेज के बात आवे तक, चाहे तरियानी छपरा के हॉस्पिटल के बात आवे, चंदौली कॉलेज के बात आवे, पब्लिक आज 6000 का जो मेकअप होता है चाहिएगा जनता के बीच में, जनता पूछ रहा है 6000 रुपया कहाँ गया। कुछ लोग के 6000 रुपया मिला, कुछ लोग का नहीं मिला, यही तो हाल है। यहाँ यहाँ वोट में भी बंटवारा हो रहा है कि फलना को पैसा मिलना चाहिए, फलना को नहीं मिले। आम आवाम पर के नजदीक कोई पूछने वाला नहीं है, उससे उसका दुख का हाल यह परिस्थिति है। दुकान में 8 बजे बेलसंड का बंद हो जाता है, यह कारण क्या है? आप 10 साल से यहाँ के विधायक नेतृत्व करते हैं, आपके रहते क्यों बंद होता है बेलसंड का दुकान? बेलसंड का दुकान 12 बजे तक खुलना चाहिए, बंद क्यों होता है, कारण क्या है?
राजनीति क्षेत्र में कब से हैं आप? 2011 में हम विधायक मुखिया बने थे, जिस समय मेरे पंचायत ने मेरे इलाका का जो स्थिति था नक्सलाइट इलाका था, जहाँ 5 आदमी बैठ के बात नहीं कर रहा था, उस समय हमने बागडोर संभाला था। मैंने ऐलान किया था कि अगर रेंगुआ पंचायत के नेतृत्व करने का मौका मिला तो गेट पर दीवार का जरूरत नहीं रहेगा, सिर्फ पर्दा का गेट रहेगा, और उसको हमने कायम किया। उस समय लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी मतदाता मालिकों को जनता को क्या आह्वान करना पसंद करेंगे? जनता जान रहा है, उसमें कहने का जरूरत नहीं है, वो उसके दिल में बसा है हुआ है, सुबोध रहा है, जो माइंड मेकअप है उस व्यक्ति को, जिस परिस्थिति में जो कोई मदद नहीं करता उसको सुबोध रहा है मदद करता है, चाहे वो जिस परिस्थिति में हो, वहाँ हम जाने का काम करते हैं, उसको मदद करते हैं। उसके माइंड में बसल है कि सुबोध रहा अगर बेलसंत के नेतृत्व इनके हाथ में देंगे तो बेलसंत को अपने खून से सींचने का काम करेंगे। चलिए, ये थे सुबोध राय जी जो कि बेलसंत विधानसभा क्षेत्र से हैं और यहाँ के जनता है, उनसे जानकारी लेते हैं। मेरा नाम सतीश बेलसंदी है, यहाँ का लोकल हूँ। और आप ये बताइए, जो लड़ाई जो है अब एक तरफा लड़ाई है, कैंची है, कोरोना काल हो या बाढ़ में सब देखा, जो सब घर के अंदर घुस रहा है, जो मजदूरों के बीच, छात्रों के बीच और जनताओं के बीच जाकर सबसे गले लगा रहा था, सबको कोरोना हो गया, पप्पू यादव को कोरोना नहीं हुआ। तो पहले से सबके दिल में लॉकडाउन किए, पप्पू यादव शुरू से ही काम कर रहे थे, लेकिन केकरो फुर्सत नहीं था मोबाइल देखने का, व्हाट्सएप देखने का। और बेलसंत के एक एक युवा 3 महीना 4 महीना 7 महीना के लॉकडाउन में घर में एक वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा है, सबके दिल में पप्पू यादव है। और सुबोध राय बेलसंत का डिमांड इसलिए है कि बेलसंत में अब तक लगभग 17 से 18 जन प्रतिनिधि जो विधायक के कैंडिडेट होते हैं, जिसमें बेलसंत के नेतृत्व की क्षमता होती, उसने जब आवाज उठाया है तो उनकी हत्या हो गई है। और यहाँ का जिस जगह आप खड़े हैं बगल में रामचंद्र सहनी, जो बेलसंत के गांधी कहे जाते थे, वो दिन भी कोई नहीं भूला है कि 28 अगस्त की घटना भूला लो न जाला। रामचंद्र सहनी रहिले गरीबन के बोली, उनका के मार के फरार हो, बड़ा गड़बड़ बुझाला, नीतीश के सुशासन सरकार हो, बड़ा गड़बड़ बुझाला। जब जिस थाना प्रभारी ने उनका जांच किया तो ईमानदार थाना प्रभारी के सस्पेंड हो जाला, बेईमान जीतेला पुरस्कार हो, बड़ा गड़बड़ बुझाला, किसके सुशासन सरकार हो, बड़ा गड़बड़ बुझाला। अब जिस बैस समाज के लिए लोग कहता है कि हम बैस क्या नेता है, तो यादव वर्ग भी बैस समाज में आता है। यादव का दूसरा नाम दूध बनिया हुआ करता था, जो व्यापार करता था वही बैस समाज में जो 4 वर्ण देता था, तो हम भी बैस में है। लेकिन जब बैस नेता का हत्या हुआ, हरिशंकर प्रसाद जी का, बैस नेता मुखिया यहाँ किसारा कहाँ थे, जो अपने आप के आज बैस नेता बनने आए हुए हैं, कहाँ थी? सांसद भी बैस की थी, हर जगह किसी का आवाज़ बना है, तब पप्पू यादव बने हैं। भाई सुबोध जी को इसलिए जरूरी है कि बेलसंत अपराध मुक्त चाहता है, बेलसंत बाढ़ से मुक्ति चाहता है, बेलसंत दलाल से मुक्ति चाहता है, बेलसंत माफिया से मुक्ति चाहता है। पूरे दुनिया में बेलसंत ऐसा होगा जहां कि आप बैंक में जाएंगे तो अपना पैसा निकालने के लिए अपना से घूस देना पड़ता है, पूछ लीजिए किसी से, ऐसी हालात है। क्या आपको लगता है कि ये बिहार का बदलाव हो सकता है सरकार? अब हमारा तो कल ही एक गाना सुन रहा था, लड़का सब गा रहा है कि तीर के नोक तुकी कमल के पंखी, बंगला निशानी अब की हवा में उड़ी, साइकिल के तूती चाका हो, हाथी के दांती तूती, बगले लंकेल पूती, कैंची के जीत हो ही पाका हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जनता भी है, जो कि चाहते हैं कि पूरी तरीके से बदलाव हो, और बदलाव होने का कारण भी है क्योंकि यहाँ पे जो जिस क्षेत्र में हम भी है वहाँ पे काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है जनताओं के साथ, और किसी भी चीज़ का इन लोगों को मदद नहीं किया जाता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।